नमस्कार हम जनों आप देख रहे हैं बीएचयू पार्ट साल सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज आपको मैं सी का ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं 2022 में बहुत सारे बच्चों ने गलतियां करी जिनकी वजह से उनका एडमिशन मनचाहे विश्वविद्यालय में नहीं हो पाया रीजन यह है कि उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया कमी कहां थी कमी थी इन्फॉर्मेशन ना होना अपडेटेड ना होना और कुछ कमियाँ थी खुद ऑफिशियल यानी सी यू ई टी या एन टी ए या यू जी सी की तरफ से उन्होंने वो सब बातें बहुत देर कर दी बताने में जब तक पूरा मामला सलट चुका था बच्चे एग्जाम सेंटर पे जा चुके थे सो आज मैं आपको जो जो पॉइंट्स बताऊंगा वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूँ समझ लेना कि आपके सेलेक्शन की पहली सीढ़ी है और इतना ही नहीं मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे भी समझाऊंगा लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम दोनों लोग आपस में एक वार्तालाप कर ले कन्वर्सेशन कर ले जिससे कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ बेसिक्स स्टार्ट करूंगा लगभग आपको दस पॉइंट्स बताऊंगा और वो पूरे पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं जिन्होंने बीएच पार्टशाला अभी फॉलो नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि सी से रिलेटेड कोई भी चाहे वो लेक्चर हो चाहे इंफॉर्मेटिव वीडियोज हो चाहे मोटिवेशनल वीडियोज हो मिस ना होने पाए सबसे पहला पॉइंट है आपको अब से एक खुद का ईमेल आईडी बनानी है ईमेल आईडी का बनाने का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कर लेना बहुत सारे प्रोसीजर में पता चल जाएंगे बहुत सारे बच्चों के पास ऑलरेडी होगा लेकिन जिनके पास नहीं है वो अपना बना लें अपने नाम से अपनी ड्रीम ड्रीम यूनिवर्सिटी का उसमें नाम भी जोड़ लेना मन होगा तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपका एक ई मेल होना चाहिए अपना एक मोबाइल नंबर रख लेना बहुत सारे ऐसे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जिनके पास उनका नंबर नहीं होगा उनका खुद का मोबाइल नहीं होगा तो वो अपने पापा या मम्मी या बहुत ही खास कोई होगा तो उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि फार्म के दरमियान एक ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको चाहिए एक फोटो चाहिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने बचपन की पिक लगा देंगे अपने आठवीं सातवीं के पिक्स लगा देंगे तो ऐसा नहीं करना है आपको बहुत ही अच्छा एक क्लीन बैकग्राउंड के साथ यानी उसमें कोई सीनरी नहीं होना चाहिए कोई आपका कोई आ, कुछ भी नहीं चलेगा इट मीन्स कि ये ग्रे या कोई पर्टिकुलर बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड के साथ प्लेन बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट फोटो आपको जाके खिंचवाना है आप लोग जाइएगा फोटोशॉप पे फोटो खिंचवा लीजिए नहीं समझ में आएगा कैसा पिक तो मैं आपको अपना ही पिक डाल दूंगा एक दिन कम्युनिटी में आप लोग देख लेना यह काम एक दो दिनों के अंदर हो जाना चाहिए आपको अपना एक साइन बनाना है या अपना नाम लिखना है बस ध्यान रखना है कि हिंदी इंग्लिश जो भी अपना साइन या इंग्लिश या नाम लिखा आपने वो सब आपको याद होना चाहिए आप उसका पिक लेके अपनी गैलरी में सेव कर लेना यह बेसिक चीजें हैं फोटो सिग्नेचर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर अब हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म भरते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझ लेना कि ये शायद कोई नहीं बताएगा ये मैं आपको अभी से प्रिपेयर कर रहा हूं चूंकि लास्ट टाइम में ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था वहां पे जब बच्चे ग्राउंड रिपोर्टिंग के दरमियान मेरे से मिले मैं उनसे पूछा तो पता चला कि वो जिस सब्जेक्ट्स का पेपर देने आए हैं जिस यूनिवर्सिटी के लिए देने आए हैं उस यूनिवर्सिटी की वो सब्जेक्ट्स की डिमांड ही नहीं थी यानी उनका पेपर देना व्यर्थ है आपको मैं डेटा बता रहा हूं लगभग 16 लाख यानी पंद्रह हजार पंद्रह लाख नब्बे हज़ार फॉर्म पड़े थे जिसमें से मात्र 9 लाख बच्चों का ही इनोलमेंट हुआ था रीज़न ये है क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे बहुत सारे बच्चे मानता हूं कुछ बच्चे पे, पेपर दिए ही नहीं होंगे और बहुत सारा कमियां था क्योंकि पहली बार हुआ था सी लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं इस बार आप यदि अपडेटेड नहीं रहोगे तो फिर आपसे चूक हो जाएगी सबसे बड़ा मामला फंसता है स्लॉट में अभी स्लॉट क्या होता है एक्चुअली इन्होंने दो स्लॉट बनाए हैं फर्स्ट स्लॉट एंड सेकेंड स्लॉट फर्स्ट स्लॉट में एक लैंग्वेज ले सकते हो दो डोमेन ले सकते हो एक जी ले सकते हो यानी टोटल कितना हुआ एक दो तीन एक चार टोटल चार पेपर आप फर्स्ट स्लॉट में दे सकते हो अभी मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पर समझाऊंगा पूरा लेकिन अभी उर्ली सुनो पहले सेकेंड स्लॉट जो है उसमें आपका दो लैंग्वेज और है जिसमें आप ऊपर एक ले चुके हो तो एक ही यहां पे लोगे टोटल दो लैंग्वेज है चार डोमेन है यानी टोटल कितना हो गया पांच यहां चार उधर टोटल नौ सब्जेक्ट्स मैक्सिमम एक लड़का सीयू में दे सकता है अभी तक का अपडेट यही है आपने जब फॉर्म भरोगे तो एक स्लॉट का आपको पेमेंट करना होता है और जैसे ही आप सेकंड स्लॉट में जाते हो तो सेकंड स्लॉट का पेमेंट करना होता है साढ़े छे सौ रुपए फर्स्ट स्लॉट के लिए होता है साढ़े छह सौ रुपए सेकेंड स्लॉट के लिए होता है सौ डेढ़ सौ रुपए कम बेसी हो जाता है एस वालों के लिए पी एच वालों के लिए वो आप माइंड मत करना क्योंकि उतना हो सकता है वो प्राइस चेंज भी हो जाए मेरा मुद्दा है कि स्लॉट को समझाना अब एक एग्जाम्पल लेते हैं एक स्टूडेंट है ठीक है अब अच्छे से समझो इसको पहले वो बी ए भी करना चाहता है लेकिन वो इलाहाबाद से करना चाहता है बीएचयू से नहीं वो बीएचयू से बी एल एल भी करना चाहता है या इलाहाबाद से बीएलएलबी करना चाहता है मींस एक लड़का है जो कि बी ए भी करना चाहता है और बी एल एल बी भी करना चाहता है अब इलाहाबाद की जो डिमांड है वो है कि आपका बच्चा दो डोमेन के साथ ही एग्जाम देगा लेकिन हम लोग जब लीगल की बात करेंगे यानी बी एल की बात करेंगे तो उसमें बच्चे को एक लैंग्वेज भी लेना पड़ेगा यानी इंग्लिश एक डोमेन यानी लीगल लेना पड़ेगा और एक जीटी तो कहने का मतलब यह है कि अब उसके पास तीन डोमेन हो गए दो आपके हो गए सब्जेक्ट्स के डोमेन पहले बताया बीए के लिए एक डोमेन हो गया बी एल एल बी के लिए अब ऐसे में उसके पास टोटल तीन डोमेन हो गए तो उसको फॉर्म अब दोनों स्लॉट का भरना पड़ेगा यानी लगभग तेरह सौ रुपए पे करने पड़ेंगे एक लड़के को बीएचयू से बस बीए करना है तो बीएचयू से बीए करने के लिए बस सिंगल एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश कोई भी चूज कर लो आप तेरह में से और साथ में आप जी टी डोमेन की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि कोई बच्चा अपने सब्जेक्ट्स और यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत ही ट्रांसपेरेंट और क्लियर है ऐसे में वो क्या कर सकता है कि एक स्लॉट का जब वो फॉर्म भर रहा है तो उसका पेमेंट तो दे ही रहा है तो वो चाहे तो एज अ हीट एंड ट्रायल ट्राई मारने के लिए वो दो डोमेन भी भर सकता है अब मध करना प्रिपरेशन हो सकता है आपने उसकी पढ़ाई कभी ना कभी करी हो या हो सकता है कि आप जीटी की प्रिपरेशन में उस डोमेन की पढ़ाई कर लो या उस डोमेन की प्रिपरेशन में आप जीटी की पढ़ाई कर लो तो मेरा मानना है कि आप स्लॉट वन का पेमेंट जब कर रहे हो तो स्लॉट वन का आप पूरे सब्जेक्ट भी भर दो अपने हिसाब से जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं अब एक लड़का है वो बी करना चाहता है कहीं से भी करना चाहता है ऑल अक्रॉस द इंडिया इन द इंडिया कहीं भी अब सोचो कि एक वो लैंग्वेज लेगा हिंदी या इंग्लिश दो डोमेन हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इको कुछ भी ले ले वो और एक जीटी जो कंपलसरी है उससे क्या फायदा होगा कि अब वो जेएमआई के लिए भी एलिजिबल हो गया वो इलाहाबाद के लिए भी इलिजिबल हो गया बी एच यू के लिए भी इलिजिबल हो गया और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज के लिए इलिजिबल हो गया वो आपको फॉर्म के दरमियान ही यूनिवर्सिटी भी चूज करना है हाँ एक गुड न्यूज है स्टार्टिंग में कि आपको यूनिवर्सिटी का पेमेंट अभी नहीं करना है बाद में ये लोग आपके साथ धोखाधड़ी करेंगे यानी ये जिसको भी आप दोस्ती समझ लो चाहे एन टी ए चाहे यू जी सी चाहे सी यू टी कोई भी दोषी हो सकता है इसमें बाद में यूनिवर्सिटी अपने रजिस्ट्रेशन के नाम पे पेमेंट अलग से लेती है लेकिन वो बाद में लेती है हां आप सीयूटी के फॉर्म में अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो मे भी यूनिवर्सिटी बाद में आपको ऑप्शन ना दे मींस बाद में आप पेपर देने के बावजूद अगर आप बीएच चूज नहीं किए हो तो बी में आप नहीं आ पाओगे कोई और यूनिवर्सिटी आप नहीं चूज की हो तो नहीं आ पाओगे पहली बार सीयूटी हुआ था तो ऐसे में कुछ यूनिवर्सिटी जो थी वो बाद में अपना विंडो ओपन करती हैं कि आप मेरे यहां रजिस्ट्रेशन करा सकते हो लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने स्लॉट एंड पेपर के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी का जो डिसीजन है अभी ले लेना यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको फॉर्म भरने से पहले बता रहा हूं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे अभी वो वो पॉइंट्स बताऊंगा फॉर्म भरने से पहले जो आप नहीं ध्यान दोगे तो 100 परसेंट बता रहा हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा सो so प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो के बाद जो मेरा स्मार्ट बोर्ड पे वीडियो आने वाला है उस वीडियो को पूरा भी देखना पूरा कंप्लीट देखना हर एक पॉइंट्स को ध्यान देना और तब जाके फॉर्म भरना और फॉर्म भरने का भी जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक एक स्टेप बताऊंगा एक 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 एग्जाम्पल बताऊंगा कि ये बच्चा है वो इतने यूनिवर्सिटी जाना चाहता है इतने सब्जेक्ट से पढ़ाई करना चाहता है एक लड़का कॉमर्स भी लेना चाहता है बीएससी भी, भी लेना चाहता है बीएलएलबी एल भी लेना चाहता है बीए भी, भी लेना चाहता है तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट भरे और क्या क्या यूनिवर्सिटीज उसको ऑफर हो सकती हैं ये तमाम बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन प्रेस करें क्योंकि सी पूरा एक बहुत ही समस्याओं से भरा हुआ पैटर्न है क्लियर नहीं है बहुत ही ज्यादा चीज़ों को समझना पड़ेगा सो ऐसे में आप अपनी पढ़ाई करो और जो समझा समझना समझाना है वो मेरे पे डाल दो मैं आपको समझा दूंगा मुस्कुराते रहे बी पाठशाला देखते रहे बेचू पाठशाला का कोर्स स्टार्ट हो चुका है कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है तो निन्यानवे में आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो खुश रहे मुस्कुराते रहे बहुत सारी शुभकामनाएं हरे हर महादेव